हर बिजनेस की शुरुआत ना एक छोटे लेवल से होती है, एक छोटे से आइडिया से होती है और धीरे धीरे आगे चल के वो आइडिया एक बड़ा शेप ले लेता है और एक बड़े लेवल पे चला जाता है। इंडिया में काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि स्टार्ट तो हुए थे एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के साथ, बट धीरे धीरे उन्होंने ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाई जिस वजह से वो ब्रांड आज के टाइम पे इंडिया में एक मार्केट लीडर पोजिशन पे खड़े हैं। उन ब्रांड्स में से एक ब्रांड जो मेरे दिमाग में आता है वो है बालाजी वेफर्स। बालाजी वेफर्स एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा ब्रांड है जिसे मैं पर्सनल लेवल से बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, बिकॉज मुझे इस ब्रांड से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आश्रय एकेडमी के इस चैनल पे ब्रांड्स ऑफ भारत के इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि बालाजी वेफर्स स्टार्ट कैसे हुआ, उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जिसके वजह से वो लोग आज के टाइम पे इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट चिप्स और वेफर्स के ब्रांड हैं। तो यार सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्रांड्स ऑफ भारत के सीरीज में। यार देखो, ब्रांड्स ऑफ भारत ये सीरीज बनाने के पीछे ना मेरा बहुत ही सिंपल सा इंटेंशन है कि इंडिया में ना बहुत ही ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत ही ऐसे ब्रांड्स हैं जिनसे हम लोग बहुत ही सारी चीज़ें सीख सकते हैं और शायद उन ब्रांड्स से ना बाहर की कंपनीज भी बहुत कुछ सीखती हैं। तो मेरा पर्सनल लेवल पे ये था कि हम लोग उन ब्रांड्स को उठाएं, उनकी एक केस स्टडी बनाएं और हम लोग इस चैनल के ऊपर डालें ताकि हम और आप जैसे बिजनेस ओनर्स उन ब्रांड से कुछ सीख सकें। बिकॉज देखो, जब तक हम लोग दूसरे को देख के सीखेंगे नहीं ना, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मेरा यही इंटेंशन था कि जैसे जैसे मैं वो चीजें सीखूं, मैं आपके साथ शेयर करूं और आप भी उन चीजों को सीख सकें और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकें। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बालाजी वेफर्स के बारे में। तो बिना ज्यादा समय गवाएं हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कंप्लीट वीडियो में होने वाला क्या है। सबसे पहली चीज जो हम लोग जानेंगे ना कि बालाजी वेफर्स का बैकग्राउंड क्या है, ये आइडिया कहां से आया, कैसे शुरू हुआ और कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी। दूसरे पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि देखो हर बिजनेस स्टार्ट करने में ना कुछ चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना, ये टोटली डिपेंड करता है कि उस बिजनेस के जो ओनर है उनका माइंडसेट क्या है, उनके टीम का माइंडसेट क्या है। ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे और कैसे कैसे उन्होंने वो हर्डल्स को टैकल किया और आगे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बालाजी वेफर्स का बैकग्राउंड क्या है, शुरू कैसे हुआ। तो देखो, जैसे मैंने बोला ना कि इंडिया में काफी ऐसे बिजनेस होते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत ही छोटे से आइडिया से ये लोग इसकी शुरुआत होती है। तो जो चंदू भाई वीरानी है, जो कि बालाजी वेफर्स के वन ऑफ द ओनर्स हैं, चंदू भाई वीरानी के तीन भाई, ठीक है, ये तीनों भाई बालाजी वेफर्स में ओनर हैं। तो शुरुआत हुई 1972 के टाइम पे। इनके जो पिताजी थे वो फार्मिंग करते थे, वो और उनके जो तीन बेटे थे चंदू भाई वीरानी और इनके दो भाई, ये चारों लोग मिलकर फार्मिंग करते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, कुछ नेचुरल डिजास्टर आया जिसके वजह से खेती में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और फैमिली के पास पैसा नहीं था कि वो आगे अपना मतलब डे टू डे जो एक्टिविटी हो जिसके लिए पैसे होते हैं, वो पैसे भी नहीं थे इनके पास। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो भी उनके पास जमीन थी, फार्मर थे तो फार्मर के पास जमीन तो होगी, तो उन जमीन को इन्होंने बेचा। जब वो जमीन इन्होंने बेचा तो इनके पास आए कुल 20 से 30 हज़ार रुपये, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट था। उन्होंने क्या किया कि अब इस पैसे को उठाया, अब ये सोचने लगे अब किया क्या जाए, बिकॉज खाने के लिए पैसे भी नहीं थे और मतलब जो उस टाइम पर जो इनकी स्थिति थी, जो इनका पोजिशन था, वो भी बहुत ही ख़राब हो चुका था, बिकॉज पैसे नहीं थे उस टाइम पे, नेचुरल डिजास्टर आ गया था, फार्मिंग भी नहीं हो पा, तो वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने, इनके जो बड़े भाई हैं, उन्होंने क्या सोचा कि देखो हम लोग का फार्मिंग का बैकग्राउंड है तो हम लोग शुरू कर लेते हैं फर्टिलाइजर और फार्मिंग इक्विपमेंट का बिजनेस। उन्होंने बिजनेस शुरू किया, पहला एक्सपीरियंस था तो वहाँ पे इनके साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया, उनको वहाँ पे बहुत ही मेजर नुकसान हुआ। तो अब इन्होंने जमीन भी बेच दिया था और नया बिजनेस स्टार्ट करने के वहाँ पे नुकसान भी हो गया था, अब ये लोग करे तो करे क्या। तो इन्होंने अपने गाँव से उठ के ये लोग आ गए राजकोट। राजकोट में आने के बाद चंदू भाई वीरानी ने ये सोचा, चंदू भाई वीरानी की उम्र उस टाइम पे 15 साल थी, मतलब कि इन्होंने बहुत ही छोटे समय पे, छोटे एज पे इन्होंने बिजनेस में हाथ डाल दिए थे, तो उनकी उम्र थी 15 साल। जब ये लोग राजकोट आए तो राजकोट में अब इन्होंने सोचा तो किया क्या जाए, तो वहाँ पे शायद इन्होंने कैंटीन शुरू की। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो वहाँ पे इन्होंने कैंटीन अच्छे से चला नहीं, कुछ टाइम बाद कैंटीन भी बंद हो गया, फार्मिंग भी फेल, उसके बाद जो इक्विपमेंट का बिजनेस था वो भी फेल, और उसके बाद जो कैंटीन इन्होंने राजकोट में आके ये लोग शुरू किए वो भी फेल। इसके बाद से अब चंदू भाई वीरानी ने सोचा, भाई अभी बिजनेस नहीं करते, अब कुछ हम लोग ऐसा चीज़ कुछ करते हैं जहाँ से कुछ पैसे आ जाए ताकि अपना जो फैमिली है वो हम लोग मतलब फैमिली सर्वाइव कर सके। चंदू भाई
वीरानी ने क्या किया, एस्ट्रॉन सिनेमाज राजकोट के अंदर एक सिनेमा है वहां पे चंदू भाई वीरानी गए और वहां पे उन्होंने एज अ गेट कीपर वहां पे काम करना शुरू किया। काम करना जब उन्होंने शुरू किया तो काफी टाइम और भी काम आ जाते थे, जैसे कि टिकट चेक करना और भी काफी सारी मल्टीटास्किंग। चंदू भाई वीरानी क्या सो क्या जा रहा है, अपना क्या जा रहा है, सीखने को मिलेगा, तो ये कभी टिकट भी चेक कर लेते थे और काफी सारी चीजें कर लेते थे। तो जो एस्ट्रॉन सिनेमाज के जो ओनर थे उनको चंदू भाई वीरानी के अंदर दिखा कि भाई बंदा तो मेहनती है। तो हर सिनेमा घर में आप भी जानते होंगे कि एक कैंटीन होता है जहां पे इंटरवल के टाइम पे लोग जाके अपना स्नैक्स वगैरह काफी सारी चीजें लेते हैं। तो वो जो सिनेमा के जो ओनर थे उन्होंने क्या किया, चंदू भाई वीरानी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है, कि चंदू भाई वीरानी से उन्होंने बोला कि चंदू भाई वीरानी आप आओ, यहां का कैंटीन का ठेका आप ले लो, आप कैंटीन को रन करो। चंदू भाई वीरानी ने बोला बहुत अच्छी बात है। तो देखो क्या है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहना चाहिए, कब अपॉर्चुनिटी आ जाए हमें और आपको भी नहीं पता, तो हम लोग को हरदम एक्टिव रहना चाहिए और एक्टिवली हर चीजों को देखना चाहिए। चंदू भाई वीरानी को जैसे ही कैंटीन का ठेका मिला तो कैंटीन में उन्होंने सोचा कैंटीन तो आ गया, अब हम यहां पे बेचे क्या, तो इन्होंने मसाला सैंडविच बेचना शुरू किया। मसाला सैंडविच इन्होंने शुरू किया और अच्छा खासा बिकने लगा, इंटरवल होता था, लोग आते थे सैंडविच खाते थे। बट उसमें दिक्कत क्या थी, जो सैंडविच है वो एक पेरिशेबल गुड है, पेरिशेबल गुड मतलब खराब जल्दी हो जाता है। तो मान लो अगर उन्होंने 50 सैंडविच बनाया तो क्या हुआ, उसमें से कुछ सैंडविच मान लो बिक गया और कुछ सैंडविच रह गया, जो रहा जो बच गया सैंडविच वो तो खराब हो गया, बिकॉज इंटरवल एक बार हुआ, आए लोग खा के चले गए लोग, तो वो सैंडविच खराब। तो चंदू भाई वीरानी ने सोचा कि भाई मान लो बिक तो अच्छा रहा है लेकिन जो बच जा रहा है ना उन्हीं उसी में हमारा सारा मुनाफा गायब हो जा रहा है। चंदू भाई वीरानी के दिमाग में आया कि यार देखो लोग खाते क्या सबसे ज़्यादा अगर स्नैक्स की बात करें, तो धीरे धीरे जब उन्होंने रिसर्च किया उन्हें पता चला कि वेफर्स या फिर आलू के चिप्स लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, और जेन्युइन सी बात है हम लोग भी अपने बचपन में आलू के चिप्स बहुत ज़्यादा खाते थे, अंकल चिप्स वगैरह लेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलते थे। चंदू भाई वीरानी ने सोचा कि देखो चिप्स है, जल्दी खराब भी नहीं होगा और इसे आसानी से हम लोग बेच भी सकते हैं, लोग खाते भी हैं। चंदू भाई वीरानी ने अलग अलग वेंडर्स ढूंढने शुरू किए, ठीक है, तो उन्होंने एक वेंडर साथ चीज़ें फाइनलाइज की। तो वेंडर क्या करते थे, आता था चंदू भाई वीरानी को चिप्स देता और इंटरवल टाइम में चंदू भाई वीरानी चिप्स बेचते थे। बट मुश्किल क्या आई, दिक्कत यहां पे क्या आने लगी कि जब वेंडर लाता था ना कभी कभी वेंडर लेट हो जाता था, टाइम पे नहीं आता था, तो इस वजह से चंदू भाई वीरानी ने काफी सारे वेंडर्स बदले, बट सबके साथ कुछ ना कुछ नई दिक्कत आती थी, कभी क्वालिटी का इशू, कभी कुछ कभी कुछ। चंदू भाई वीरानी ने यह सोचा कि देखो भाई हमें तो चिप्स बेचना है, अच्छा डिमांड है, चीजों को हमें करनी है, लेकिन मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता और कभी कभी जो वेंडर वो लेट भी हो जा रहा है, तो इससे हम अगर मान लो सिनेमा के टाइम पे 10 मिनट का ब्रेक होता है उसी टाइम पे अगर लेट हो गया फिर कुछ ऐसा चीज हो गया तो फिर तो कस्टमर तो गया। तो चंदू भाई वीरानी ने क्या सोचा कि चलो अब चिप्स भी हम लोग खुद ही बनाते हैं, तो उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना बिजनेस में शुरू किया। ये नहीं कि अब मान लो दिक्कत आ गई, वेंडर आ गया तो फिर हम कुछ और बेचना शुरू करते हैं, उन्हें पता था कि प्रोडक्ट बिकेगा, अब उन्होंने उसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना शुरू किया, मतलब जहां से मान लो चिप्स है तो चिप्स को अब इन्होंने बनाना शुरू किया, ठीक है, खुद से ही बनाते थे, तलते थे, तो वहां से क्या हुआ क्वालिटी मेंटेन्ड हो जाती थी और चिप्स का जो इनके क्वालिटी था ना वो काफी अच्छा था, लोगों को ये चिप्स इनके चिप्स बहुत ही अच्छे लगते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने उन चीजों को अपने हाथ से बनाना शुरू किया, साथ ही साथ अपने जो फैमिली मेंबर्स थे इनके 2-3 जो भाई थे उनको भी उन्होंने सिखाया, चीजें सिखाई, ताकि जो बिजनेस है ना वो बस उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। बिकॉज आज के टाइम में काफी हम लोग बिजनेस ओनर जो होते हैं ना हम लोग सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ करूंगा, बट जब आप सब कुछ करने लगोगे ना तो बिजनेस में आप ग्रोथ कहां से लाओगे, बिकॉज बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए आपका दिमाग काम करना चाहिए, और आप जब छोटी छोटी चीजों में जब फंसे रहोगे ना तो आप बिजनेस को ग्रोथ नहीं ला सकते, बिजनेस में ग्रोथ नहीं ला सकते। तो चंदू भाई ने यहाँ पे आके डेलीगेशन किया, उन्होंने और लोगों को बताया कि अच्छा ऐसे चिप्स बनते हैं ये सारी, तो चिप्स बनाने का जो प्रोसेस था वो तो सॉर्ट आउट हो गया था। अब चंदू भाई के पास क्या था, उनके पास समय आ गया था बिकॉज उन्होंने डेलीगेशन कर दिया था। डेलीगेशन करने के बाद चंदू भाई वीरानी ने क्या किया कि एक सिनेमा में बेच ही रहे थे तो साथ ही साथ आसपास के जो सिनेमाज थे वहां पे भी चंदू भाई वीरानी पहुंच गए, उन्होंने अपना प्रपोजल वहां के ओनर्स को, उनके ओनर्स बोला ठीक है आप यहां पे बेचना शुरू कर दो। धीरे धीरे दो तीन सिनेमा हॉल्स में ये अपने चिप्स को सप्लाई करने लगे, अपने वेफर्स को सप्लाई करने लगे। अब देखें मान लो हमारा सिनेमा घरों में तो हमारा चल ही रहा है, उन्होंने क्या किया साइकिल उठाया,
आसपास के जो जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं वहां पे जाके भी ये अपने चिप्स को रखने लगे। तो मतलब मार्केट में देखो इनका प्रोडक्ट अच्छा था, नो क्वालिटी, इनका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा था, इनको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा था, तो इनके पास अब वॉल्यूम जनरेट होने लगा। जब बिजनेस में वॉल्यूम जनरेट होता है ना, तो उस टाइम पे क्वालिटी मेंटेन करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। बिकॉज मान लो चिप्स हैं, कभी कभी टेम्परेचर का ज्यादा हो गया चिप्स जल सकते हैं, सारी चीज हो सकती है। वहां से इन्होंने क्या सोचा कि अब हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर आते हैं। बिकॉज टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, मशीन से एक ऐसी चीज है ना, जिनको आप प्रोसेस आप सेट कर दोगे तो चीजें कंसिस्टेंटली वो निकालेंगे। और चंदू भाई वीरानी को पता था कि अगर ये अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब करेंगे तो अल्टीमेटली ये बिजनेस लंबे समय तक नहीं कर सकते, तो इन्होंने मशीनरीज वगैरह की चीजें लाई और धीरे धीरे इनका बिजनेस आगे बढ़ते चला गया। तो वीडियो के दूसरे पार्ट में अब हम ये जानते हैं कि चंदू भाई वीरानी को क्या क्या दिक्कतें आई अपने बिजनेस को ग्रो करने में। जो सबसे पहला दिक्कत था ना, वो ये था कि देखो इनका मार्केट में डिमांड बढ़ रहा था, मार्केट में डिमांड बढ़ने के बाद इनको क्वालिटी मेंटेन करना, बिकॉज ये क्या बिलीव करते हैं कि अगर बिजनेस को लंबे समय तक करना है या फिर बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको अपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगोगे तो अल्टीमेटली मान लो अगर आप क्वालिटी सही नहीं दे रहे हो तो कस्टमर आपसे खरीदेगा क्या, ठीक है। तो आपको अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखना है, जब तक आप क्वालिटी मेंटेन नहीं रखोगे आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं कर सकते। उसके लिए चंदू भाई वीरानी ने क्या किया कि इन्होंने टेक्नोलॉजी और मशीनरी पे इन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए। बिकॉज जब इनके पास मशीनरी आ गई तो इनको टेंशन फ्री हो गए थे कि अच्छा चलो अब कितना हो प्रोडक्शन हो मैं क्वालिटी मेंटेन कर सकता हूं। दूसरा जो दिक्कत ये फेस किया उन्होंने ये था कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन यानी कि ये शुरुआत में चिप्स और वेफर्स बेचा करते थे। अब चिप्स और वेफर्स से तो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया नहीं जा सकता, तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे प्रोडक्ट के में डाइवर्सिफिकेशन लाने लगे और मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज अपना क्रिएट करने लगे, ठीक है। तो ये दो हर्डल्स थे और इन्होंने उसको कैसे रिजॉल्व किया ये चीज़ें मैंने इस पार्ट में बताई। अब तीसरा पार्ट हम जानते हैं कि ये ग्रोथ कैसे की, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना कि जब भी मान लो कोई बड़ी कंपनी है उनके पास हैवी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो एक ही साथ पूरे इंडिया में छा जाते हैं, बट चंदू भाई वीरानी के पास या फिर बालाजी वेफर्स पास उतना कैपिटल नहीं था कि वो एक ही बार हैवी इन्वेस्टमेंट करके इंडिया के हर एक पार्ट में चले जाएं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट अप्रोच लिया। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट अप्रोच यानी कि पहले अपने आसपास के जगह में इन्होंने अपना प्रोडक्ट सप्लाई करना शुरू किया। जब वहाँ पर प्रोडक्ट अच्छे से आ गया, अच्छा डिमांड वहाँ से आने लगा, धीरे धीरे वहाँ से वो आसपास के जिलों में आसपास के जगह में जाने लगे और अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने लगे। इससे क्या हुआ कि इन्होंने कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया और ज्यादा से ज्यादा लोकेशन पे ये पहुंच गए। तो इन्होंने जो ग्रोथ की स्ट्रेटजी अपनाई वो है कि एक्सटेंशन इनटू न्यू मार्केट। देखो एक्सपेंशन के काफी सारे तरीके होते हैं, तो इन्होंने ज्योग्राफिकल मार्केट एक्सपेंशन यूज किया और फिर धीरे धीरे करते करते एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इस तरह से उन्होंने अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया बिकॉज लिमिटेड कैपिटल था इनके पास, ठीक है। दूसरा चीज जो इन्होंने किया, देखो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया, तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में इतनी ज्यादा वैरायटी लेते आई कि हर जगह के हिसाब से टेस्ट लेता है। बिकॉज देखो इंडिया में क्या है ना कि हर स्टेट में अलग टेस्ट चलता है, तो इन्होंने उस चीज को समझा, कस्टमर्स को समझा और उसके बाद से ये मल्टीपल प्रोडक्ट वेरिएशन, मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज ये लेते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जिस एरिया में जाते थे उस एरिया के लोगों को इनके चिप्स का, इनके प्रोडक्ट्स का टेस्ट पसंद आता था, जिससे कि कस्टमर्स को ब्रांड याद हो जाता था और कस्टमर्स अपने आप ही आके दुकानों से सामान लेना शुरू कर देते थे। तो इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन या फिर प्रोडक्ट एक्सपेंशन के ऊपर भी काफी अच्छा काम किया। इनके पास आज के टाइम पे लगभग 50 से ज्यादा वैरायटीज के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो इससे इन्हें एक बेनिफिट क्या मिलता है ना कि ये हर एक एरिया में, जिस एरिया में जाते हैं वहां का टेस्ट ही अडेप्ट कर लेते हैं, वहां का टेस्ट जब ही अडेप्ट कर लेते हैं तो वहां के लोगों को इनका प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, समझ में आ जाता है और फिर लोग उनके प्रोडक्ट्स को लेना शुरू कर देते हैं और इनके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट वहीं से साइडलाइन हो जाते हैं। तीसरा चीज जो इन्होंने किया वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग योर टारगेटेड कस्टमर। देखो इनको पता था कि मेरा कस्टमर कौन है, इनका जो मेजर प्रेजेंस है ना वो है उनके टियर 2, टियर 3 सिटीज, टियर 4 सिटीज में। तो इन्हें अपने मार्केट के बारे में पता था, इनके कस्टमर्स के बारे में पता था, कस्टमर्स को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो इन्होंने उन चीजों के ऊपर काम किया और उन चीजों को इंप्रूव किया ताकि वो अपने कस्टमर्स को बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट दे सकें। चंदू भाई वीरानी एक चीज कहते हैं कि देखो प्रॉफिट से बिजनेस नहीं बनता,
ठीक है ना, बिजनेस से प्रॉफिट बनता है। अल्टीमेटली इनका कहना है कि क्वालिटी दो, जब क्वालिटी दोगे तो कस्टमर आपके बिजनेस साथ जुड़ा रहेगा, और जब कस्टमर बिजनेस साथ जुड़ा रहेगा तो परचेजेस ट्रांजैक्शंस होंगे, और उन परचेजेस और ट्रांजैक्शंस की वजह से आपके बिजनेस में प्रॉफिट आएगा। तो आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर बिजनेस, ताकि एक आप एक बेहतर से बेहतर क्वालिटी अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकें। ठीक है, तो ये था पूरा एक बालाजी वेफर्स का इन शॉर्ट केस स्टडी। और इससे अब मैं जो सबसे मेन चीज़ है ना इस वीडियो का, जो मैंने आपको बोला था कि लर्निंग्स, हम लोग क्या सीख सकते हैं बालाजी वेफर्स से, वो चीज़ ये है कि सबसे पहला कि आप टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन आप अपने बिजनेस में करना शुरू करो, बिकॉज टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है ना जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेशन आपके बिजनेस में लेती आती है। और अगर आपके बिजनेस में ऑटोमेशन है तो उससे आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा, और काफ़ी सारी चीज़ें। तो टेक्नोलॉजी और मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट आपको अपने बिजनेस में करना है, चाहे वो बिजनेस आपका छोटा हो चाहे वो बिजनेस आपका बड़ा हो। दूसरी जो चीज है, आपको एक्सपेंशन के बारे में सोचना है। ये नहीं कि आप एक एरिया में काम करो तो आप बस वहीं पे काम करने लगे, वहीं पे रुक गए और फिर आप नहीं सोच रहे आगे के एक्सपेंशन का। जब तक आप आगे का एक्सपेंशन नहीं सोचोगे ना, तब तक आप अलग अलग लोकेशन में प्रेजेंट नहीं रहोगे। बिकॉज मान लो आपकी छोटी सी किराने की दुकान, अब बिजनेस ओनर्स का क्या मेंटेलिटी है, चलो किराने की दुकान खोल लिया, हमारे एरिया में अच्छा चल रहा, अब इसको यहीं पे रोक देते हैं। नहीं, आप उसके ब्रांचेस बनाओ, आप उसकी फ्रेंचाइजी मॉडल, काफी सारे तरीके होते हैं बिजनेस को एक्सपैंड करने के। आप उन तरीकों को इन्वॉल्व करके आप एक छोटे से किराने की दुकान को भी एक बड़े कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। उसका तरीका होता है, तरीका आपको फिगर आउट करना है। तो आपको एक्सपेंशन के बारे में सोचना है। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है, फोकस ऑन योर कस्टमर। काफ़ी समय हम एज अ बिजनेस ओनर ना अपने कस्टमर को साइडलाइन कर देते हैं। हम सोचते हैं नहीं, ये प्रोडक्ट बिक जाएगा, ऐसे बिकेगा वैसे बिकेगा। नो, आपको अपने कस्टमर्स को समझना है, उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उनके हिसाब से आपको टेस्ट देना, उनके हिसाब से आपको प्राइसिंग रखने, सारी चीज़ें आपको अपने कस्टमर्स को समझना है। उनको एक अच्छा सर्विस दीजिए, अच्छा सपोर्ट दीजिए, ताकि वो आपके कस्टमर साथ एंगेज कर सकें। ठीक है, चौथा और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि फोकस ऑन पार्टनरशिप्स। बालाजी वेफर्स की सबसे अच्छी चीज क्या है ना, वो जहां भी जाते हैं ना कुछ पार्टनरशिप्स करते हैं, कुछ कोलैबोरेशंस करते हैं वहाँ के एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से। इससे क्या होता है कि मान लो अगर मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ, अगर मुझे मान लो बिहार में एक्सपैंड करना है या फिर बिहार के किसी मार्केट को टैप करना है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ के किसी एक अच्छे बंदे से जिसको बिजनेस का एक्सपीरियंस, मैं उसके साथ जाऊँगा, कोलैबोरेट करूँगा, मार्केट को मुझे वहाँ पे समझने में आसानी मिल जाएगी। तो ये कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। एज अ बिजनेस ओनर आपको भी इन चार पॉइंट्स का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन, दूसरा चीज प्रोडक्ट में वेरिएशन या फिर एक्सपेंशन, ठीक है, चाहे वो ज्योग्राफिकल रहे चाहे वो प्रोडक्ट का एक्सपेंशन है। तीसरा चीज है फोकस ऑन कस्टमर सपोर्ट, फोकस ऑन कस्टमर्स, मतलब आप अपने कस्टमर्स को समझो। चौथी चीज है पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस। ये चार चीजें अगर आपने अपने बिजनेस में करना शुरू कर दिया, चाहे आपका बिजनेस छोटे लेवल पे ही क्यों ना हो, आपको अपने बिजनेस में एक नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ मिल जाएगा। एंड आई एम वेरी मच श्योर। देखो, मैं बालाजी वेफर्स को बहुत टाइम से फॉलो करता हूं और इनके काफी सारे स्ट्रेटजीज को मैं अपने बिजनेस में खुद इंप्लीमेंट करता हूं, एंड आई सी मैसिव रिजल्ट्स, मुझे रिजल्ट्स दिखते हैं। तो ये था इन शॉर्ट मैंने क्या सीखा बालाजी वेफर से, और आप क्या चीज़ें सीख सकते हो बालाजी वेफर से। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आप इन चीज़ों को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट अपने आप दिख जाएगा। सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा, डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करने के बाद आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिए कि आपको क्या नहीं अच्छा लगा या फिर क्या चीजें छूट गई जो मुझे इस वीडियो में इंक्लूड करनी चाहिए थी। आप कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर कोई फीडबैक, सजेशन या फिर रिकमेंडेशन, वो भी चीज आप कमेंट में मेंशन कीजिए, ताकि मैं देख सकूं और उन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकूं आगे की वीडियोस में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा बिल्कुल, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप की चीज आपको समझ में आई होंगी। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, किसी नए एजुकेशनल वीडियो में, किसी नए बिजनेस के साथ। सो तब तक आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।